We don't deal with the heat. Which sunscreen are you using? I don't know. No sunscreen. No. I'm not using any sunscreen. नहीं टैनिंग हुई है टैनिंग मेरा बेटा भी कह रहा था सर नहीं वो घोड़ा खाल में पड़ता है माँ ने भेजी है बट उसको मैं यूज नहीं कर रहा। कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लिए निकली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा हर दिन एक नए पड़ाव पर पहुंच रही है। भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर से कन्याकुमारी से शुरू हुई थी जो कि अब तक 4 राज्यों तमिलनाडु केरल कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से गुजर चुकी है। यात्रा कश्मीर के श्रीनगर में अगले साल खत्म होगी। ऐसे में यात्रियों और इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे राहुल गांधी को लगातार चलना पड़ रहा है। इस दौरान कई मौके आए जब राहुल गांधी की कई बातें और उनसे जुड़े कुछ उनके एक्शंस जो है वो चर्चा का विषय बन गए हैं। अब चाहे वो तेज बारिश में भाषण देना हो, छोटे बच्चों के साथ यात्रा में हंसी चिटोली करना हो, अपनी माँ सोनिया गांधी के पैरों में जूतों के लेसेस बांधना हो या फिर छोटी बच्ची की सैंडल बांधना हो। अब ताजा मामला राहुल के सनस्क्रीन वाले बयान से जुड़ा है। अब क्या है ये बयान जो सोशल मीडिया पर लगातार छाया हुआ है, बताएंगे सब इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूँ कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। सोमवार 17 अक्टूबर को राहुल गांधी के यूट्यूब चैनल से एक वीडियो शेयर किया गया। इसमें राहुल भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ चल रहे यात्रियों से उनका हालचाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी युवाओं से यात्रा के दौरान उनके एक्सपीरियंसेस सुन रहे हैं और अपने बता भी रहे हैं। यहां राहुल ने बताया कि जब दिन भर चलने के बाद शाम को भारत जोड़ो यात्रा रुकती है तो वो अपनी माँ और बहन साथ ही दोस्तों से बात करते हैं। इस दौरान वो कसरत भी करते हैं और कुछ पढ़ते लिखते हैं। ऐसी ही एक बातचीत में राहुल गांधी ने यात्रा में धूप का जिक्र किया। इस पर एक यात्री ने पूछा कि आप कौन सी सनस्क्रीन लगाते हैं। अब इस पर राहुल गांधी ने जो जवाब दिया वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सुनिए राहुल का वो बयान। We don't deal with the heat. Which sunscreen are you using? I don't know. No sunscreen. No. I'm not using any sunscreen. नहीं टैनिंग हुई है टैनिंग मेरा बेटा भी कह रहा था सर नहीं वो घोड़ा खाल में पड़ता है माँ ने भेजी है बट उसको मैं यूज नहीं कर रहा। बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा 9 नवंबर को महाराष्ट्र में एंट्री करेगी और सोर्सेस के मुताबिक यहाँ एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और उनकी बेटी लोकसभा सांसद सुप्रिया सूले यात्रा का वेलकम कर सकते हैं। हालांकि ये दूसरा मौका होगा जब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में विपक्ष का कोई बड़ा नेता नजर आएगा। इससे पहले 7 सितंबर को तमिलनाडु के सीएम और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन को यात्रा शुरू होने पर कन्याकुमारी में राहुल गांधी को तिरंगा सौंपते हुए देखा गया था। इस यात्रा की बात करें तो कांग्रेस की 3,750 किलोमीटर की ये जो भारत जोड़ो यात्रा है वो 12 राज्यों से गुजरेगी। ये दक्षिण में कन्याकुमारी से उत्तर में कश्मीर तक 3,750 किलोमीटर का सफर पूरा करेगी। इस यात्रा में राहुल गांधी बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को लगातार घेर रहे हैं और निशाना साध रहे हैं। फिलहाल जो वीडियो वायरल है राहुल गांधी की सनस्क्रीन को लेकर, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरी माँ ने मुझे सनस्क्रीन भेजी जरूर है लेकिन मैं उसका इस्तेमाल नहीं करता, ये सोशल मीडिया पर छाई हुई है। बाकी भी जो राहुल गांधी के अलग अलग एक्शंस जो वायरल होते रहे हैं, जिनकी जो वीडियो है जो सोशल मीडिया पर छाई है, उनको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं। साथ ही साथ देश विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ तक।